हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अखिलेश एक बार फिर अपने चैनल पे जुड़ता हुआ आप सभी के साथ। चलिए दोस्तों, आज एक नई सीट करते हैं। दोस्तों आज की सीट है लोधी वन से कंटिन्यू। तो चलिए दोस्तों, आपने पीछे पढ़ लिया होगा, उसके आगे आपको सिकंदर लोधी के बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो सिकंदर लोधी था वो इसका शासनकाल कब से कब हुआ? इसका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक इसका शासनकाल हुआ। अच्छा, इसके बाद इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां। निजाम खां, ये क्या था इसका? इसका वास्तविक नाम था। अच्छा, इसने नगरों का विलय, ये देखो हेडिंग दिया बता रहे हैं, नगरों का विलय। इसने कौन कौन से नगरों का विलय किया? तो जो जौनपुर के हुसैना शाह तर्की को पराजित कर दिया। इसने किसके पहले? तो जौनपुर के हुसैना शाह सरकी को पराजित किया। क्या किया? पराजित किया। पराजित किया। और उसके बाद इसने क्या, सिकंदर लोधी ने क्या किया? बिहार और तिरहुत, कौन सा? बिहार एवं तिरहुत को दिल्ली में मिला लिया। किसमें मिला? को दिल्ली में मिला लिया। दिल्ली में मिला लिया। तो कौन कौन से नगरों को? बिहार एवं तिरहुत को नगरों को दिल्ली में मिला लिया। अच्छा, आगरा क्या हुआ? तो 1504 ईस्वी में, कब? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा की नींव डाली। उसके बाद कुछ समय बाद इसने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। बाद में आगरा को राजधानी बना लिया। ये हुई बात। अच्छा, गज या सिकंदर, तो ये भूमि के पैमाने को मापने के लिए, क्या? भूमि पैमाना मापने के लिए गज या सिकंदरी भूमि पैमाना को मापने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है ज्वालामुखी मंदिर। तो ज्वालामुखी मंदिर से क्या रिलेटेड है? तो दोस्तों, जो ज्वालामुखी मंदिर था, इस मंदिर में इसने तोड़वा के यहाँ की जो मूर्तियां थी, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर जो मूर्तियां थी उनको बाट, जिनसे वजन तौलते हैं, बांस जो बाट थे उनमें तोड़ दिया। और उसके बाद उन बाट को किसमें दिया? जो मांस होता था, मांस को तौलने में दिया। तो यानी कि जो ज्वालामुखी मंदिर था उसमें क्या किया? इसने तोड़वा दिया। उसके बाद जो मूर्तियां थी उन मूर्तियों को बाट के रूप में परिवर्तित किया। उसके बाद उन बाटों को मांस को तौलने के रूप में यूज करते थे। अच्छा, इसने प्रतिबंध क्या लगाया? तो इसने जो मुसलमान की जो ताजिया होती, किन किन पर? ताजिया पर, स्त्रियों के पीरों पर, यानी कि स्त्रियों के पीरों पर एवं संतों की मजार पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इसने कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है कुतुब मीनार का, कि मतलब शुरू कब से शुरू और कहां तक चला। तो कुतुब मीनार कहां से, मैंने आपको पहले बताया, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हो गया और लोधी वंश तक, शुरू से लेकर आखिरी तक कुतुब मीनार की स्टार्टिंग गुलाम वंश स्टार्ट हुआ और लोधी वंश तक पूरा बनता रहा। अब बात आती है फरंगे सिकंदरी। तो फरंगे सिकंदरी क्या थी? दोस्तों जो आयुर्वेद को इसने संस्कृत भाषा में था
आयुर्वेद संस्कृत भाषा में था, उसने फारंगे सिकंदरी में अनुवाद करवाया। संस्कृत आयुर्वेद को संस्कृत भाषा में तो इसने फारंगे सिकंदरी में अनुवाद करवाया। और इसके बाद इसने अपने जीवन काल में एक स्टेटमेंट दिया, क्या दिया, यदि मैंने अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। तो किसने कहा था? सिकंदर लोधी ने कहा था। ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं तो ये भी जान लीजिए। गुलरुखी शीर्षक क्या था? तो गुलरुखी शीर्षक क्या था, फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। ये कौन सी, यानी कि फारसी भाषा में ये कविता लिखता था। फारसी भाषा में कविताएं लिखता था ये। इसके बाद दोस्तों ये फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। तो गुलरुखी शीर्षक क्या था? फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। अच्छा, एक इसकी खास बात ये थी, ये अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के लिए क्या था, जो अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के लिए इसने कभी दाढ़ी नहीं रखी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसने कभी दाढ़ी नहीं रखी। तो किस शासक ने पूरे शासनकाल में कभी दाढ़ी नहीं रखी? तो कौन था? सिकंदर लोधी। ये आपके सीट हुई दोस्तों, आपके अब बस आपके पास दिल्ली सल्तनत का एक और सीट बची है जो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की सीट इतनी ही। तो बताइए दोस्तों मुझे आपकी सीट कैसी लगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो प्लीज जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फिर से बताना चाहता हूँ, मेरा टेलीग्राम पेज है जिसपे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, तो इसी नाम से है टेलीग्राम पेज, एग्जाम क्रैक्स विद अखिलेश है। चलिए जाइए दोस्तों टेलीग्राम पे, उसको फॉलो करिए, और डेली करंट अफेयर्स का वीडियो और करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेंगी आपको। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।